नमस्कार बच्चों, कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर का आपका 2024 का कक्षा 9वीं का विषय हिंदी विषय का मासिक टेस्ट पेपर जो कि आपका अक्टूबर का पेपर है। यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका पूर्णांक आपके रहेंगे 20 अंकों का ये प्रश्न पत्र रहेगा। एक घंटे का इसमें आपको समय मिलेगा। मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर का पेपर है, जैसा कि मैंने आपको बताया 100% यही पेपर आपको देखने को मिल सकता है। तो जल्दी से जल्दी, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ये आपके 5 सही विकल्प प्रश्न हैं, प्रत्येक पर एक एक अंक आपको मिलेगा। पहला, इसका सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें आपको सही विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक पर एक एक अंक आपको मिलेगा। 5 विकल्प हैं, 5 पर एक एक अंक आवंटित है। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है, आधुनिक बाजार किन सामग्रियों से भरा पड़ा है? ऑप्शन, विलासितापूर्ण सौंदर्य से, खर्चीली से या सस्ती से। तो जो आधुनिक बाजार है वो किन सामग्रियों से भरा पड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विलासिता पूर्ण से। तो इसको आप कर लेना, एक अंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसका, दूसरा है इसका, सालिम अली को किस रूप में याद किया जाता है? जी हाँ, सालिम अली को किस रूप में याद किया जाता है? ऑप्शन ए, अच्छे लेखक। ऑप्शन बा, एक अच्छे इंसान। ऑप्शन सा, पक्षी प्रेमी। ऑप्शन दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सालिम अली को किस रूप में याद किया जाता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा, पक्षी प्रेमी रूप में। तो सालिम अली को पक्षी प्रेमी रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट है इसका, मोर पंख पर सर ऊपर राखीरो सवैया में किसके रूप पर अनुकरण करने का वर्णन है? तो जो मोर पंख सर ऊपर राखियों में सवैया में किसके रूप में अनुकरण करने का वर्णन है? राधा का, कृष्ण का, शिव का या राम का? तो जो मोर पंख सर ऊपर रखी हुई सवैयों में वर्णन है वो है श्री कृष्ण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा, कृष्ण। अब चलते हैं नेक्स्ट। लेखिका की रानी नानी की मृत्यु कब हो गई थी? लेखिका की शादी से पहले, लेखिका की माँ की शादी से पहले, या लेखिका की बहन की शादी से पहले, या लेखिका के जन्म के बाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, लेखिका की माँ की शादी से पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट। छंद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर आ, 2। ऑप्शन नंबर बा, 3। या ऑप्शन नंबर सा, 4। या ऑप्शन नंबर दा, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 2 प्रकार के होते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं। तो इन 5 विकल्पों को आप अच्छी तरीके से कर लेना। प्रत्येक विकल्प पर आपको एक एक अंक मिलेगा। पहले का आ, दूसरे का सा, तीसरे का बा और चौथे का बा और लास्ट का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ। तो इसको आप अच्छी तरीके से रट लेना, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको 6 सही जोड़ी दी गई हैं। इन 6 को मिलाना है, प्रत्येक पर आपको एक एक अंक मिलेगा। तो पहले का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मृदुला गर्ग, और ये दूसरे का आपका गद्य की एक विद्या। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा कहानी, ऑप्शन नंबर सा। तीसरे का है चौपाई छंद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गा, और माफ कीजिए 16 मात्राएं। सांवले सपनों की याद, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खा, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है इसका रघुपति राजा राघव राजा राम, तो जो रघुपति राजा और राजा राम का राइट आंसर हो जाएगा इसका छा, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है इसका कृष्ण भक्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रस खान।
तो ये थे आपकी एक एक अंकों की सही जोड़ी, इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये भी आपकी आएंगी, क्योंकि ये एक एक नंबर के जो सही जोड़ी होती हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं बच्चों। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कक्षा नौवीं का पेपर है, जैसा कि मैंने आपको बताया हिंदी विषय का, अक्टूबर महीने का पेपर है, यही पेपर आपको कल अपने विद्यालय में देखने को मिलेगा। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, ये आपका दो नंबर का प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक तीन है। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, और चौथा है इसका, किस घटना ने सालिम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया। पांचवा, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। छठवा, दीपावली की तैयारी विषय पर दो मित्रों के बीच संबंध लिखिए, ये आपका तीन नंबर का रहेगा बच्चों। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें। प्रश्न क्रमांक तीन का ही आंसर है, लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने के बनाने वाले उत्पाद जरूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक तीन का आंसर। तो इसको अच्छे तरीके से रट लें। दो नंबर का प्रश्न है, बचपन में एक बार मामा की दी हुई एयर गन से सालिम अली ने एक गौरैया का शिकार किया। मामा ने गौरैया के बारे में जानकारी मांगनी चाही तो मामा ने उन्हें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS जाने के लिए कहा। BNHS ने इन्हें गौरैया की पूरी जानकारी मिली। उसी समय से सालिम अली के मन में पक्षियों के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता जगी कि उन्होंने पक्षी विज्ञान को ही अपना करियर बना लिया। ये आपका प्रश्न क्रमांक चार है का आंसर है, ये भी आपका दो नंबर का रहेगा। नेक्स्ट, पांचवा, रसकान जी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, जिस वन बाग और तालाब में श्री कृष्ण ने नाना प्रकार की क्रीड़ा की है, इन्हें निहारते रहना चाहते हैं, ऐसा करके उन्हें अमिट सुख प्राप्त होता है। ये सुख ऐसा है जिस पर संसार के समस्त सुखों को निछावर किया जा सकता है, इनके कण कण में श्री कृष्ण का ही वास है, ऐसा रसखान को प्रतीत होता है, और इस दिव्य अनुभवी को त्यागना नहीं चाहते, इसलिए इन्हें निहारते रहते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही उनका हृदय प्रेम से गदगद हो जाता है। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक पाँच का आंसर, ये भी आपका दो नंबर का रहेगा। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से रट लीजिए। जाकिर, अरे भाई राम तुम अपना सामान लेकर कहाँ चले। राम मैं दीपावली मनाने अपने घर जा रहा हूँ। जाकिर, अच्छा दीपावली कैसे मनाते हैं। राम, दीपावली की तैयारियाँ वैसे तो कई दिनों से पहले से शुरू हो जाती हैं, लेकिन मुख्य दिवस पर हम घर को सजाते हैं और घर आंगन में रंगोली बनाते हैं। ये आपका छठवां का राइट आंसर होगा, ये आपका तीन नंबर का रहेगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका कक्षा नौवीं का विषय हिंदी का पेपर, माह अक्टूबर का यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, मासिक टेस्ट। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।